इस संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश दत्त अवस्थी साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अध्यक्षीय भाषण दें। श्रोताओं, मैं देख रहा हूं आधे लोग ऊंघ रहे हैं थकावट से लगातार। मैं शाबाशी देना चाहूँगा कट्टीमणि साहब को, जिस हैदराबाद की सरजमीं पे उर्दू मीडियम की विश्वविद्यालय चलता था, जो दक्षिणी की माँ है और जहाँ आज दक्षिणी ख़त्म हो गई उस्मानिया में। कोर्सेस में दक्षिणी पढ़ाई नहीं जाती। 1960 में जब हम पढ़ते थे तो एमए उर्दू में अलीनामा था कोर्स में। अब तो यह आलम है कि एक भी आदमी को नहीं आती। एक बहुत बड़े उस्ताद ने मुझे एक बात बताई बहुत गहराई से, ये आपको नहीं मालूम, उर्दू और फारसी वाला दक्षिणी नहीं समझता, हिंदी वाला दक्षिणी समझता, ब्रजभाषा वाला समझता, अवधी वाला समझता, तेलुगु वाला समझता, मराठी वाला समझता, उर्दू फारसी वाला नहीं समझता। यही कारण है कि वहाँ दक्षिणी मर गई। उस मरे हुए मुर्दे को जिंदा किया है इस शख्स ने। हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्तर पर इतना बड़ा सेमिनार संगोष्ठी पहले भी हमारे यहाँ दक्षिण भारत में हुई, हिंदी प्रचार सभा में हुई और अक्सर कहीं कहीं होती है, मगर विश्वविद्यालय के स्तर पर अभी हिंदी में, मैं शायद भूल नहीं कर रहा हूँ तो उर्दू विभाग में भी अभी नहीं हुई होगी दक्षिणी में कोई सेमिनार। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जो लगातार दो दिन से आपने सुना, लोगों ने कहा, सिर्फ मुझे दो ही बातों पर बोलना ये है कि अली नामा पर कोई चर्चा नहीं हुई। अली नामा के काव्य को वस्तुतः हमारे यहाँ पृथ्वीराज रासो से ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ है। अली नामा की पुस्तक को जो मखतूता है सालारजंग म्यूजियम में, जो मखतूता है उसे शायरी में नहीं लिया गया स्थान, उसे बताया गया है कि ये तारीख की किताब है। इतिहास, अली नामा को इतिहास बताया गया, ऐतिहासिक काव्य नहीं। वो एक, और दूसरा है फतेहनामा निज़ाम शाह, निज़ाम शाही। एक बात मुझे अक्सर पूछना है डॉक्टर साहब से, लोगों को जो भ्रम है किताब नरस के बारे में कि दक्षिणी है, 80% तो उसमें ब्रजभाषा के शब्द हैं, संगीत की पुस्तक है। हाँ, अब उसे दक्षिणी कैसे बोलते हैं लोग, समझ में नहीं आया, पता नहीं। हालांकि जिस आदमी ने मुरतब किया है, स्वयं नज़ीर अहमद ने भी लिखा है एक जगह कि जिस ढांचे में ये लिखे गए हैं पद, ये ब्रजभाषा के हैं, दक्षिणी के वजन की ये नहीं है। फिर भी लोगों में बहुत धारणा है 80% ब्रजभाषा है, और यही नहीं, संगीत की अधिकतर पुस्तकें ब्रजभाषा में लिखी गई, इसका कारण है। अब सिर्फ इसलिए है कि बादशाह शाह वक्त मुसलमान होते हुए हिंदी देवी देवताओं की तारीफ करता हो, ये समझ करके किसी ने राजनीतिक हवा दे दी उसको, पता नहीं क्या है। वो ज़रूर अच्छा काव्य है, भक्ति का काव्य है, मगर दक्षिणी कहाँ है उसमें, कुछ कुछ धारणाएँ हैं।
इसको साफ करना होगा। और जैसे अभी हमारे बुजुर्ग उस्ताद पांचाल जी ने बताया कि कैसे इसे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में कैसे उसे लाया जाए, और न सिर्फ लाया जाए बल्कि अगर विद्यार्थियों को लाया जाए तो पढ़ाने वाले को तो मालूम हो पहले क्या है ये, तो उसकी तरबियत भी तो ज़रूरी है। उसके लिए कोई सामग्री पहले से बना के रखें आप। मुश्किल से मैं दक्षिणी की बिबलियोग्राफी का जब प्रोजेक्ट कर रहा था, उर्दू अंग्रेजी देवनागरी में लिखी हुई पुस्तकें जो प्रकाशित हुई, मुश्किल से हिंदी देवनागरी में जो प्रकाशित हैं उसकी संख्या 70 है, शेष सब उर्दू में हैं। दो को छोड़ करके एक अंग्रेज, दोनों भी अंग्रेजी में हैं। एक हमारे मोहिउद्दीन खादिर जोर का थीसिस हिंदुस्तानी फोनेटिक्स, ताजुब कहेगा हैदराबाद जैसे शहर में 1927 में किया गया थीसिस, हिंदुस्तान का पहला बाशिंदा जो ऑक्सफोर्ड जाकर के थीसिस किया है, आज तक उर्दू में नहीं आया। आज भी हार्डली 172 पेजेस का बुक है वो, जो पेरिस में छपी है, कापी है यहाँ इधर अद्वियात उर्दू में कापी है। अब तो खैर जोर साहब तो क्या, उनके बच्चा भी मर गया, मगर किसी को नहीं मालूम हुआ कि आज तक कोई उसको उर्दू में नहीं लिखा। हालांकि हिंदुस्तानी लिसानियात बोल के मने वो अख्तवासात है, वो सब एक्सट्रैक्ट जो काम होना चाहिए, जैसे हमारे सरकार का काम, कुंज मित्र का काम, पहली मसनवी जो उन्होंने आप लोगों के लिए, मैं जानकारी ये दे दूं कि जमील जालवी साहब ने जो उर्दू में छपाई किताब, उनके भाई साहब का एक मकतबा है दिल्ली में छपी, तो एक सफ़े पर मखतूता है उसी का फोटो, दूसरे सफ़े पर उर्दू है इबारत तो पढ़ जा सके। वो मखतूता तो आप पढ़ भी नहीं सकते, मखतूते यानी पांडुलिपि का लेख जो है बहुत मुश्किल होता है। तो वो किताब पहली छापी जो सरकार को मिली बाद में, जो हिंदी में उन्होंने देवनागरी में लिखा। कोई मुस्तनद काम जब तक कितने बरस लग गए होंगे उनको, तो बड़े तपस्या का काम है। बहरहाल तपस्या करने वाले करते हैं, मगर फल की ओर ले जाने वाले जैसे अब नहीं होते तो मिलना बड़ा मुश्किल है। आपने जो प्रयास किया, मैं दोबारा आपको साधुवाद देता हूँ कि लगे रहो इसमें, आशीर्वाद। धन्यवाद सर। अब हम आखिरी अंक में पहुँच गए। मैं हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर करण सिंह गुटवाल से अनुरोध करता हूँ कि वे आके धन्यवाद ज्ञापन करें। चौधरी ने और बीच व्याख्यान दिया था दिलीप सिंह ने, और अध्यक्षता की थी प्रोफेसर इकबाल सर ने, जो कि समकुलपति है, और इसका संचालन किया था शमीम ने, जो हमारी एमफिल की छात्रा है, और बहुत ही सुचारू रूप से सत्र चला। और उसके बाद आरंभ हुआ दूसरा सत्र भोजन उपरांत, और उसमें भी सभी वक्ता आए, जैसे कि सुरेश दत्त अवस्थी सर है, अब्दुल अजीज अम्बेकर है, विजय राघव रेड्डी सर है, और सुखविंदर कौर का पेपर जैसे कि रेनू ने पढ़ा था, और तबस्सुम है, और मजरुद्दीन फारूकी सर है, और ऐसी गहराई तक गए थे मान लीजिए विषय के जो लोग बहुत कम जानते हैं। जैसे कि यहाँ इससे पहले भी सेमिनार हुआ था पिछले वर्ष, उस सेमिनार में बहुत ही लोग आए थे, जैसे कि करीब 50-60 लोगों ने पेपर पढ़ा था, लेकिन इस समय आपके सामने है पूरा प्रोग्राम, इसमें सिर्फ 14-13 लोगों ने पेपर पढ़े हैं। तो इससे ही पता चलता है कि कितना छांट छांट कर चुना है लोगों को, जो जो मान लीजिए इसके एक्सपर्ट है, जो जो बहुत ही विद्वान है विषय के, उन लोगों को बुलाया गया था।
और इसी से ये सत्र बहुत ही कामयाब रहा। और इस जैसे कि अक्सर हम संगोष्ठियों में नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा विशेष आमंत्रित लोगों को बुलाया गया, जिसमें जो लोग आए हैं प्रोफेसर वेंकटरमन राव सर, टी मोहन सिंह सर, प्रोफेसर मानिकम्बा सर, डॉक्टर रेखा शर्मा, प्रोफेसर बी सत्यनारायण सर, प्रोफेसर धर्मपाल, प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा सर, डॉक्टर जयक्षण, डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी, सभी ने यहाँ आकर हमारा हौसला अफजाई किया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये कोई मामूली बात नहीं थी इतने बड़े विद्वानों को एक साथ इकट्ठा करना। और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया है, बहुत ही मन से काम किया है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उनको मैं शायद ही एक घंटा भी दे सका हूं रिहर्सल के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। गीत भी पेश किए और ड्रामा भी पेश किया। और अभी अलीम सर और आशिक अली सर कह रहे थे कि बहुत ही पसंद आया हमको, और ये जो पसंद आया शब्द है इसी से कलाकारों को बहुत ही हौसला अफजाई मिलती है और वे अपने काम को सफल मानते हैं। और इस तारीफ के लिए, इस प्रशंसा के लिए मैं सभी का धन्यवाद भी देता हूं।